नई दिल्ली 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हर तबके को खुश करने में जुटी केंद्र की मोदी सरकार ने अब युवा बेरोजगारों को तोहफा देने की तैयारी कर ली है। श्रम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने युवा बेरोजगारों को हर महीने 2000 से 3000 रुपये तक का भत्ता देने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है। इस प्रस्ताव पर 15 मार्च से पहले फैसला हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन मुद्दों पर क्या विचार चल रहा है। इन मुद्दों पर विचार चल रहे हैं कि आखिर कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सालाना कितने धन की आवश्यकता होगी और इसका इंतजाम कहां से होगा, बेरोजगारी के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या ग्रेजुएट में से किसे माना जाए, क्या रोजगार कार्यालय में पंजीकृत सभी लोगों को बेरोजगार माना जाए। इस मामले से जुड़ी कुछ लोग 10वीं पास को बेरोजगार मानते हैं, जबकि कुछ लोग ग्रेजुएट को भत्ता देने की बात कह रहे हैं। भत्ता पाने वाले युवाओं की पारंपरिक आय कितनी होगी? केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों और नौकरी पेशा को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की थी। सरकार ने 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को हर साल 6000 रुपये देने का ऐलान किया था। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों को 5 लाख तक की आय पर टैक्स से छूट की घोषणा की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार किस नतीजे पर और कहां तक पहुंचती है।